अजब मध्य प्रदेश की गजब कहानी। जब बच्चों को स्कूल में मिलने वाला माध्यान्ह भोजन गंदगी के बीच भिखारियों की तरह हाथों पर परोसा जाता है। जो हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के एक ऐसे स्कूल की, जहां बच्चों के हाथों पर माध्यान्ह भोजन दिया जाता है। जिला मुख्यालय से तकरीबन 7 किलोमीटर दूर ग्रामीण अंचल के शासकीय माध्यमिक शाला कुडीला में आज भी बच्चों को स्कूल से मिलने वाला माध्यान्ह भोजन के लिए या तो अपने घर से बर्तन लाना होता है या फिर हाथों पर भोजन खाने को मजबूर होना पड़ता है। और देश का भविष्य कहने जाने वाले इन बच्चों को गंदगी के बीच खाली जमीन पर बैठकर हाथ में रोटी पर सब्जी देकर माध्यान्ह भोजन परोसा जा रहा है। इस मामले में जहां स्कूल की टीचर का कहना है कि बर्तनों में जंग लगने के कारण बच्चों को हाथों पर रखकर माध्यान्ह भोजन दिया जा रहा है, तो वहीं प्रशासनिक अधिकारी कह रहे हैं कि ये सब गलत है और इसकी जांच कराई जाएगी। मध्य प्रदेश में भले ही सरकार बच्चों को गुणवत्तापूर्ण माध्यान्ह भोजन की बात कह रही हो, लेकिन जमीनी स्तर पर सब कुछ उलट पुलट चल रहा है। टीकमगढ़ जिले में भिखारियों की तरह छात्रों को माध्यान्ह भोजन बांटा जा रहा है। स्कूल में बर्तनों की व्यवस्था ना होने के कारण बच्चों को घर से बर्तन लाने पड़ते हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर जिले में शासन की योजनाओं पर किस तरीके से पलीता लगाया जा रहा है। छात्र छात्राओं को स्कूल आने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से छात्रों को दोपहर के भोजन के समय माध्यान्ह भोजन का वितरण सुनिश्चित किया गया है, लेकिन खरगापुर विधानसभा क्षेत्र के शासकीय माध्यमिक शाला कुडीला गांव में जब से स्कूल खुला है तब से आज तक छात्र छात्राओं के माध्यान्ह भोजन के खाने के लिए या तो अपने घर से बच्चे बर्तन लेकर जाते हैं या फिर हाथों में रखकर गंदगी के बीच प्रांगण में घूम रहे आवारा कुत्तों से बचाकर अपना खाना खाते हैं। ऐसे में अधिकांश बच्चों ने बताया कि उन्हें कभी भरपेट भोजन नहीं दिया जाता, जो मिलता है उसमें कीड़े मिलते हैं जिससे बच्चे खाना छोड़ श्वानों को खिला देते हैं। इस मामले में शासकीय माध्यमिक शाला में पदस्थ प्रधान अध्यापक का कहना है कि कोरोना काल में विद्यालय बंद होने के कारण भोजन वितरित करने वाले बर्तनों में जंग लगने के कारण बच्चों को अब हाथों में भोजन बांटा जा रहा है। वहीं क्षेत्र के प्रशासनिक अधिकारी एसडीएम का कहना है कि शासकीय माध्यमिक शाला कुडीला में अगर बच्चों को गंदगी के बीच हाथों में माध्यान्ह भोजन वितरित किया जा रहा है तो ये सब गलत है और आपत्तिजनक भी है। इसकी जांच के लिए बीआरसी को भेजा है। जांच रिपोर्ट आने पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्या दिक्कत आती खाने में? खाने में सही तो है, उन्ना तिलूला करा था। और रोटी बचा के ले गई थी। और कैसी दिक्कत होती? कड़ी बना मिट्टी को तेल डाल रहा है। अच्छा नहीं बनता खाना? नहीं सर जी, इनको इतना मस्त खाना बनता है। हम सारी रोटी ले गए थे। ये हमने कही सारी चाची रोटी दो, तो कहती तुम ले जा तो हरे आधे सुनना हमें दाद है सिद्धा दादा हमारी बहन लाती रोटी, हमने खाई सब तिलूला कड़े थे तीन चार बॉय है तो एक एक दिन आई थी कड़ी चावल। कड़ी चावल में बताओ तिलूला कड़ो तो वही लगा दे जैसे मैं मट्टी को तेल भैदा हो कहूँ तो गुस्सा होने के कहूँ क्या कह रही थी? क्या कह रही थी? तो मन ले ले था डाल देते ऐसे मैं के लिए गन्ने के ऊपर अब क्या पक्ष है आपका? मेरा ये कहना है कि अभी 2 वर्ष इसमें कोरोना काल में स्कूल बंद रहे तो जो थालियां वगैरह थी निकली उनमें जंग लग चुकी है। अब उनसे मैंने बोला था कि नई थाली खरीदो, कुछ स्कूल से भी खरीद लेंगे, तो अभी उनको पैसा नहीं मिला है शासन से, इसलिए वो थाली नहीं खरीद पाए। तो सर बैठने के लिए फट्टी भी उपलब्ध नहीं है? बैठने के लिए फट्टी पर्याप्त? तो सर फिर भी जमीन में बच्चे बैठे? जमीन में इसलिए बैठा देते हैं कि कमरों में क्लासें लगती हैं, क्लासों के अतिरिक्त हमारे पास कमरे नहीं है, इसलिए बाहर बैठाना पड़ता है। अच्छा सर, खाने की गुणवत्ता भी ठीक नहीं है, सभी देखते आप जा उसके लिए भी क्या सर बजट की जरूरत है? क्या सर गुणवत्ता बनाने के लिए बजट की कमी है? गुणवत्ता बजट मिलता है। हाँ तो फिर गुणवत्ता में कमी क्यों है सर? गुणवत्ता में क्या कमी है? खाना जैसा सर दाल नहीं है, दाल होना था सर, सब सब्जी होनी थी, पराठा होना था,
लेकिन सर केवल पूरी है और आलू की सब्जी है, मीनू अनुसार सब कुछ भी बट नहीं रहा, बच्चे भी सर यही कह रहे हैं। सर उनको मीनू बता देता हूँ, जब यह मीनू से बनाओ तो सर अभी तक मीनू बताना भूल गए थे क्या? नहीं नहीं, दो वर्ष बंद रहा उनको मालूम नहीं। अच्छा, तो सर अभी कितने दिन से मिड डे मील चल रहा है? अभी जुलाई से चल रहा है। जुलाई से चल रहा है, जुलाई से सर कितने दिन हो गए? व्यवस्था भी तो करना पड़ती है। अच्छा, तो सर इतने दिन में आप नहीं बता पाए कि मीनू क्या है या उन्हें समझ में? मतलब सर अभी गल्ला मिला है ना, पैसा मिला है, वो क्या करेंगे? अच्छा सर, तो सर इसके बाद मिलेगा तो क्या लेंगे नहीं वो पैसा? अगर पैसा बाद में मिलेगा तो लेंगे नहीं क्या? वो बीपीएल धारी है, घर से पैसा नहीं लगा सकती। तो सर क्या मानना है ऐसे में? अगर वो सर मेरा मानना है कि मैं उनको बोल दूंगा, सुधार हो जाएगा, अगले टर्न आना उसमें सुधार मिलेगा। अच्छा, तो सर अभी तक लापरवाही क्यों आ रही थी सर? अभी तक आपने ध्यान क्यों नहीं दिया सर? ध्यान दिया है मैंने, हाँ भी दिया था उन लोगों को, हाँ फिर भी लापरवाही हुई। आप तो देख लूंगा आप क्या लापरवाही। तो सर क्या कार्रवाई होगी? कक्षा 1 से 12 तक शालाएं हैं, हाँ कभी मैं देख पाता कभी नहीं देख पाता हूँ। तो सर देखूंगा कल। तो सर इससे पहले क्या कोई नोटिस जारी किया आपने? किसके लिए? आपने जो लापरवाही आपने पहले देखी, आप बोल रहे हमने देखा है। मुझे नहीं मिली लापरवाही, आपको मिली, मैं उनको नोटिस दे दूंगा, कल देखूंगा, कल नोटिस जारी।